हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जब भी गड़बड़ी होता है, कोई व्यवस्था अव्यवस्थित नजर आती है, तो कभी भी कोई आवाज नहीं उठाता। कभी कभी लोग आवाज उठाना चाहते हैं तो उसके बाद को दबाया जाता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये नाम कमाने के लिए आवाज उठाया जा रहा है। सही मायने में देखा जाए जो भुक्तभोगी है, जो पीड़ित है, जो छात्र सही में परेशान हो रहे हैं सेंटर्स पे, उनसे कोई जाके पूछे या उन छात्रों से जाके कोई पूछे, उन हजार लाखों विद्यार्थियों से जाके कोई पूछे जो कि पूरे साल तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाए, या सेंटर्स पे किसी गड़बड़ी की वजह से उनका पूरा मेहनत जो है वो किसी काम का ना रहे, उनका जो सपना टूटने लगता है, तब ये बात वो समझ पाएंगे, वो जो दर्द है वो बच्चे समझ पाएंगे, वो छात्र समझ पाएंगे, या उनको पढ़ाने वाले, उनको मार्गदर्शित करने वाले शिक्षक थोड़ा समझ पाएंगे, या उनके अभिभावक समझ पाएंगे। ये सोशल मीडिया पे बैठ के बस सोशल बाजी करने वाले लोग थोड़ी समझ पाएंगे। और हमारे देश के नेताओं को तो कभी समय नहीं है, जितना जोरों शोरों से प्रचार हमारे यहाँ ये चुनाव में होता है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, कभी एक हमारा जो नेता है कभी शिक्षा बात कर लिया, हम तो हमेशा बोलते हैं कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, सभी के लिए इजिली अवेलेबल होना चाहिए, बट ऐसा कहीं नहीं है। खैर, आज का मुद्दा बड़ा गंभीर है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप, क्योंकि इस पे वीडियोज इसलिए भी नहीं बना रहे ना, लोगों को डर है दो जगहों से केसेस होने के, एक तो प्रशासन आप पे दबाव बनाएगी और दूसरा कहीं ना कहीं जिसके ऊपर आप ये एलिगेशन लगा रहे हो वो भी आप पे दबाव बनाएगा, इवन केस तक के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन आप गलत करोगे तो आवाज उठाने वाली कमी नहीं है। हमेशा गलत होने पे जो सही आवाज उठाने वाले लोग हैं वो आवाज उठाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। अभी सीयूटी का एग्जाम चल रहा है, कुछ दिन पहले नीट के एग्जाम में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है और उसपे प्रशासन जो है वो अभी भी चुप्पी साधी हुई है। उन तमाम विद्यार्थियों का क्या, उन लाखों बच्चों का क्या जो कि इतने सालों से मेहनत करके आ रहे हैं और आप अपने सेंटर्स पे अरेंजमेंट नहीं दे पा रहे हो या पेपर गड़बड़ हो जा रहा है, तमाम बातें। अभी सीयूटी एग्जाम को लेके देख लो, बस मैं इतना डाल रहा हूं गूगल पे, सीयूटी पेपर लीक, बस इतना आप डालो। बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, एबीपी लाइव, न्यूज 18, ये कोई छोटे मोटे नहीं, आप इसको देख लो, ये बड़े बड़े देश के अपने सबसे टॉप लेवल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे सीयूटी पेपर को लेकर बातें हो रही है। आप अच्छे से पढ़ो, पेपर लीक इन कानपुर, एग्जाम पोस्टपोन्डेड इन दिल्ली, कानपुर में पेपर लीक होता है और दिल्ली में एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है। यहां तक कि मेरे पास बच्चों के कंप्लेन आए हैं 9 बजे या 7 बजे 8 बजे उनका आज के दिन का एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, अचानक से आप उनको उनके एडमिट कार्ड ही आप डाउनलोड नहीं, आप नहीं करने दे रहे हो, या आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रहा है। क्या मतलब है, सेंटर्स पे गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पेपर लीक वाला मामला कानपुर का एकदम हाईलाइट है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कानपुर में बुधवार को महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में सीयूटी के परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगाकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि परीक्षा खत्म होने के बाद भी कुछ कमरों में एंट्रेंस एग्जाम देने आए विद्यार्थियों को रोका गया है, उनका पेपर साल भर कराया जा रहा है, उनका पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। इससे आक्रोशित सैकड़ों स्टूडेंट ने कॉलेज में हंगामा बवाल करने के साथ साथ तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। ये इस तरीके का पूरा है जहां के प्रशासन भी आती है, और इस पे लास्ट लाइन लिखी गई कि मामले की छानबीन की जाके रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उसके बाद लगभग कई सारे मैंने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े जहां पे बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी हुई है पेपर लीक को लेके, और कहीं कहीं पे यहां तक की बात लिखी गई है कि पेपर जो है वो रिशेड्यूल किया जाएगा, ठीक है, रिशेड्यूल किया जाएगा, इस तरीके की बातें आ रही हैं। आप ये आर्टिकल पढ़ो, ये तमाम आर्टिकल जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये आर्टिकल पढ़ो, हर जगह इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं। मैं बस इतना चाहूंगा कि एनटीए ही क्यों, देश में एनटीए ही एक प्लेटफॉर्म क्यों है, मतलब लगभग 1.5 करोड़ बच्चों के एग्जाम आज एनटीए कवर कर रहा है। टॉप 10 अपने इंडिया के जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला एग्जाम है वो एनटीए कवर कर रहा है, क्यों? गवर्नमेंट का इससे कुछ फायदा होगा तभी तो एनटीए को दे रहे हो। भाई आप पास और भी एजेंसीज हैं, आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन यहाँ पे नीट का एग्जाम एनटीए को, नेट का एग्जाम एनटीए को, सीयूटी का एग्जाम एनटीए को, जेई मेंस का एग्जाम एनटीए को, लगभग हर में 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और ये पूरे एग्जाम जो है एनटीए कवर कर रहा है। गड़बड़ी तो होगी, आपके यहाँ जो भी इंजुलेटर है उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती तो इस तरीके से गलत पेपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होते। और ऊपर से जो सेंटर्स बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हो, आप उसी बीच में उनके ओमआर कलर के टाइमिंग पे, जब वो उनके पास ऑलरेडी लिमिटेड समय है,
लिमिटेड समय के दरमियान आप उसे सिग्नेचर करवाओ, इसी में आप उनसे कई सारे अलग करिकुलर एक्टिविटीज कराओ। हाँ, यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ पे थंब एक्सप्रेशन करो, इन सब चीजों के लिए आप अलग से अपना टाइम बने बनाओ भाई। हमें हमारा टाइम मिल जाए बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि आपका प्रॉपर इंजुलेटर जो है वो ट्रेंड नहीं है, वो बीच बीच में आके बच्चा डिस्टर्ब करे। ऐसे मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो बोल रहे थे कि सर बीच बीच में आके बहुत डिस्टर्ब किए, कॉन्सेंट्रेट करने ही नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा कि एनटीए ही क्यों। मैं बार बार बोलता हूं कि एनटीए हमेशा धोखा देती है छात्रों के साथ। पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड है एनटीए का, पता नहीं इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद में एनटीए को ही क्यों पूरी ठेकेदारी मिल जा रही है। भाई हमारे देश में और भी लोग हैं, आप उन्हें दो ना, डिस्ट्रीब्यूट करो। लास्ट टाइम भी यहाँ पे केआईटी में एग्जाम था, यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। इससे पहले भी कहीं पे सिस्टम बंद हो जाता है, कई बार टाइम पे पेपर डिस्प्ले ही नहीं होता ऑनलाइन पेपर में, इस बार तो ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसे इरेगुलर एक्टिविटीज से, अव्यवस्थित व्यवस्था से सैकड़ों लाखों बच्चों का जो सपना है वो टूट जाता है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट या फिर जो भी इसके टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे यूसी के चेयरमैन अमजी कुमार जी, चाहे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, चाहे बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी के वीसी, ये सभी लोग इस मामले को गंभीरता से लें और एनटीए को बोलें कि भाई या तो रिफॉर्म करो, या तो ये पूरा जो एग्जाम करने का ठेकेदारी है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और इनके जो इंजुबिलेटर है मस्ट बी ट्रेंड, और एक गेटवे होना चाहिए जहां पे बच्चा अपना जो प्रॉब्लम है वो कनेक्ट कर पाए। एनटीए का टोल फ्री नंबर है, 6 बार कॉल करने के बाद रिसीव होता है, या तो दिन भर में 6 बार कॉल करके 10 बार करोगे तब जाके वो कॉल पिक होता है, और उनके पास कोई डेटा नहीं होता है। वो कॉल रिसीव करने के बाद यही कहेंगे कि अभी ऐसा कुछ भी होगा तो पोर्टल पे शो हो जाएगा। भाई आपने एग्जाम में भी गड़बड़ियां की, एग्जाम कराने के बाद आंसर, बहुत सारे बच्चों के भी पुराने कंप्लेन पड़े हुए हैं कि उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले हैं, जैसा उन्होंने क्लिक किया है वैसा उनका मार्क्स नहीं आया है। कोई जब तक वो जाके कोर्ट में जाएगा केस करके, जब तक वो निर्णय लेकर आएगा तब तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी का आधा सेमेस्टर बीत चुका होगा। मतलब एक बच्चा पढ़ने आया था कि यहाँ पे केस खेलने आया था। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। इस पे सुधार के मामले में कम से कम भाई ये 12वीं के बच्चे हैं, यूजी लेवल पे बच्चा जा रहा है, जस्ट यूजी लेवल पे बच्चा जा रहा है। अब ये 12वीं लेवल के बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं? 12वीं लेवल के बच्चों से कम ये तो आप रखो कि नहीं भाई 12वीं का बच्चा है वो कैसे इन सब चीजों को हैंडल करेगा। वो तो एग्जाम देने गया था ना भाई, आप उसका एग्जाम कराओ फ्रीली, बात खत्म करो ना, कि आप उससे ये सब चीज करवाओ। मतलब फ्रेश माइंड से एग्जाम देने के और इस तरीके से पेपर लीक के बातें आ जाए, मोरल डाउन हो जाता है। तो प्लीज अभी भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उस एग्जाम पे एनटीए जो है वो अपने इंजुलेटर को इंस्ट्रक्ट करे कि भाई फ्रेशली अच्छे से स्मूथली एग्जाम कराओ, किसी प्रकार कोई गड़बड़ी ना हो, और अपने इंजुलेटर को ये भी बोलो स्मूथली पेश आए, और जो उनके जो एक्स्ट्रा वर्क है सिग्नेचर एंड ऑल वो सब आप पहले करा लो। बच्चों को एमआर कलर या फिर डेस्कटॉप पे जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसका जो प्रॉपर टाइमिंग है वो पूरा उनको मिलना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर का लिंक है जिसपे आप जाके ट्रेंड कराओ कि एनटीए रिफॉर्म या जो भी है, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बस उस लिंक को प्रेस करो जिससे एनटीए को बात समझ में आ जाए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपका आंसर की आना बाकी है, आंसर की में भी गड़बड़ी करेंगे ये लोग, ऐसा कई बार देखने को मिला है। उसके बाद रिजल्ट जब फाइनल आएगा तो उसमें मार्क्स भी कम कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनका सिस्टम भ्रष्ट है। तो भाई गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट जॉब लेवल पे तो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर ही रहे हैं, ये एंट्रेंस लेवल पे भी प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस करने लगे हैं आज के समय में। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आवाज उठाओ, पूरे स्टूडेंट जो है वो यूनाइट रहो कि आगे अगर फर्दर कोई बड़ा ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो हम लोग इस पे बात जरूर उठाएंगे। आप लोग ट्विटर पे जाओ और ये प्रॉब्लम, क्योंकि पता है क्या, अगर आप शांत रहोगे देने लगेगा सब कुछ सही चल रहा है, और ऐसा होता है लास्ट में पता है क्या लोग इंग्लिश निकालते हैं, एनटीए अपनी तरफ से इंग्लिश निकालेगा, वी कंडक्टेड smoothly all shift examination of CUET and very well, good wishes to all, इस तरीके से statement होता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें सब सच्चाई पता है। तो प्लीज ये सोशल मीडिया पर रहना चाहिए, मेरे ही वीडियो का आप वहां तक पहुंचा के रखो, मेरे ही वीडियो का आप उन्हें टैग करके बताओ कि भाई हमें पता है कि आप कहां तक गड़बड़ी करते हो।
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस एक्स को रिएक्ट करो और ट्रेंड कराओ। ये अपनी प्रॉब्लम जो है उनके कमेंट बॉक्स में नजर आना चाहिए। इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि आपने एक्चुअली कहां कहां प्रॉब्लम फेस किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है ना, कोई बता रहा, कोई मेरे को पोस्ट में लिखा था कि बस व्यूज पाने के लिए आप कर रहे हो। बेटा जब व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाना होता है ना, तो और भी बहुत सारे हैं वीडियो बनाने के कॉन्टेंट, वहां बना सकता था। ये तो सही माने बच्चों के भले के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, और तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से जो है ना, ये इन लोग का मन बढ़ता है और कई सारे अच्छे मासूम इनोसेंट बच्चों के साथ गलत होता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आवाज जरूर उठाओ और यूनाइट रहो। हर एक चैनल को सपोर्ट करो, लेकिन यूनाइट रहो। एनटीए बार बार जो गलती कर रही है, इस पर हम लोग को हमेशा एकदम स्टैंड क्लियर रखना है, इनके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहना है। इसलिए क्योंकि आप सही नहीं करोगे चीजों को, तो हम आपके विरोध करेंगे ही करेंगे। और एटलीस्ट मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पे बात जरूर जाएगी कि आपने चीजों को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, यूनाइट हो जाए। फर्दर आपके कॉमेंट बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर ले आऊंगा कि हाँ हम लोग को इस पर क्या एक्शन लेना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की और रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बार बार होती है, इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है, और पहले से आप लोग यूनाइट रहो, चैनल को सपोर्ट करो, उस लिंक को आप लोग रीट्वीट मारो और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो कि फर्दर हम लोग इस पे जरूर एक्शन ले सके, आवाज उठा सके। ठीक है, हर हर महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहिए। प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, हर हर महादेव।